आज का सीन कुछ ऐसा है भाई कि आज जाना शाम को ड्रामा देखने के लिए। अरे 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 हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये लोग जा रहे बाइक पे जा रहे, पापा बोल रहे थे मुझे गाड़ी में जाते सब लोग, मैंने बोला नहीं आना मुझे अभी। 100 किलोमीटर गाड़ी पे जा रहे गाइस, देखो अभी मतलब क्या है। अरे 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 दोपहर को मिलते भाई, बाय। अजीब लग रहा है यार गाइस, पूरा दिन गया आज का और व्लॉग ही नहीं बनाया मैंने। देखो कितने बजे है, 9:30 बजने आए हैं। कल इसी व्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। आज व्लॉग नहीं बनाया तो काफ़ी वियर्ड सा लग रहा था, लेकिन आज पूरे दिन में कुछ करने लायक भी नहीं था, बोरिंग बोरिंग हो जाता, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। जितना भी बनाया थोड़े बहुत, अभी कल करते इस व्लॉग को कंटिन्यू गाइज। सो फिलहाल बाय। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane. Hey people, what's up, good morning, welcome back to this vlog. आज का सीन कुछ ऐसा है भाई कि आज जाना शाम को ड्रामा देखने के लिए, वैसे वाला ड्रामा नहीं, ड्रामा सीरियस वाला ड्रामा। मेरे दोस्त के फादर ने वो इंट्रोड्यूस किया है, वो डायरेक्टर है, तो उनका ड्रामा है आज, वहाँ पे जाएंगे। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ड्रामा देखने के लिए जा रहा हूँ। नॉइज देखो थोड़ा, इग्नोर मार दो गाइज। 10 बज चुके हैं जस्ट लिटरली, मैं गाइज अभी उठा हूँ, लिटरली 3 बजे तक जग रहा था मैं गाइज। ऐसे मच्छर है ना, वो मच्छर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कानों के यहाँ गुन 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 गुन। दादी तो मस्त सोई थी लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर इतना जबरदस्त फैन भी लगाए तो फैन में ज़्यादा हवा, तो उससे ना ये होता है ठंडी लगती। फिर क्या किया, फैन बंद किया तो ये मच्छर गुन 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 गुन। तो फिर क्या करे, तो क्या करे। तो अभी गाइस 10 बज चुके हैं, अभी जस्ट उठा हूँ मैं, तो अभी सबसे पहले तो मैं तैयार होता हूँ, फिर शाम को जाना है ना ड्रामा में, तो दोपहर को जाते जिम, थोड़ा टाइम पास करेंगे, ऐसा कुछ सीन है। शाम को ड्रामा दिखाते, ड्रामा करते, ड्रामा देखते, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ठीक है ना। तो ड्रामा ही नाम है तो ड्रामा ही बोलना पड़ेगा, तो ठीक है यार देखते बाय, करते व्लॉग को यही से स्टार्ट। यहाँ पे मेरी बुआ ने मेरे लिए शीरा भेजा है। मम्मी क्या ही बनाती है यार, वो जब बनाती है ना कते जहरीला होता है, मतलब नेक्स्ट लेवल का होता है। मतलब तू भी बहुत बढ़िया बनाती है लेकिन वो यार वो नेक्स्ट लेवल की बनाती है यार। और मेरी दादी ने आज तक मुझे कुछ भी बना के नहीं दिया यार। क्या दादी तू ऐसे करती है, ये भी भेजा है उसने, वो तो स्वीट मार्ट से लेके आए। वैसे चलो गाइस चलते अभी जिम, चेस्ट वर्कआउट करना आज मुझे। चलो कोई भी नहीं आया यार जिम में गाइस, फिर भी मैं 3:30 बजे आया हूँ, क्या पता कब आते। बैटल रोप मारता होगा गाइस अभी, वर्कआउट प्रॉपर वैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर मैंने गलत मारा होगा तो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होना, मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ वीडियो में, सीख रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है अगर वो सही है तो मैं वीडियो में डाल रहा हूँ।
मुझे लगता है सही है, लेकिन सही एक्चुअल में भी तो सही होना चाहिए। जल्दी जल्दी कर लिया गाइस, मैंने वर्कआउट ड्रामा देखने जाना है अपने को। शुभम देखियो, तेरे लिए मैंने जल्दी जल्दी निपटा लिया भाई वर्कआउट। चल मम्मी ये थी का ड्रामा बगैर। चलो गाइस अपन चलते हैं, 7:15 बज चुके हैं। मेरे साथ मामा चल रहा है, मेरा छोटा मामा, तो उसे करते हैं पिक, चलते हैं। 7 बजे का शो है, यहीं पे बज चुके 7:15, आधा पौन घंटा लग जाएगा जाने के लिए, देखते हैं यार फिर। अरे जनाब जल्दी चलो जनाब, कहाँ जा रहे हो अंधेरे में जनाब? चल बाबा लो कर, चलो चलो बाय बाय। ओ वहाँ पर गाइज मुझे फोन पे फोन किए जा रहा है, अरे कहाँ तक आ गए भाई, कहाँ तक आ गया भाई। चलो गाइज अभी आ गए, गार्ड भी लगा दी, अभी देखते कैसा नाटक होता है। लाइफ में फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूँ मैं इसे, लेट्स सी। शुभम भाई तो एकदम झांकी पैंकी, तुला लाम ना मैं ओळखलंच नाही, कटिंग वगैरह के लिए का कौन बघणार आहे काय? ना इन्साफी हो रही है अभी। ये भाई बोल रहे है तुम लोग जाओ नाटक देखने के लिए, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, और भी लोग आएंगे तो उनको पिक करने के लिए रुकता ना मैं भी। अरे पहचानेंगे नहीं, नहीं तो मैं हूँ प्रवेश, मालती मध्ये दिसे येती ना? नाही कन्नड विन्नड सांग जरा। Chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. Oh guys, ये देखो, ये है शुभम के फादर, अंकल जी। ज़ूम करना पड़ रहा है, ब्लर भी हो रहा है काफी, थोड़ा माइंड मत करो। चल हाथ मुझे जाओगे ये भाई अभी रास्ता दिखा रहे, बालकनी में बैठने के लिए बोल रहे, टिकट्स ले लिए है। ओहो बस यार कैमरे में कैद होना चाहिए जो भी ले रहे। चल ना वर्ती चल, कम ऑन कम ऑन। गाइस थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ, वो है मराठी में नाटक, तो शायद आप लोगों को नहीं समझेगा, शायद नहीं आपको समझेगा ही नहीं, तो कुछ कुछ डायलॉग है हिंदी में, जितना मुझे लग रहा है आपको समझेगा उतना मैं अपलोड कर दूंगा। सही है यार, अलग ही एक्सपीरियंस है, लाइव नाटक देख रहे देखते मज़ा आएगा। ये देखो गाइस ये है शुभम के फादर, क्या ही एक्टिंग करते हैं यार, जबरदस्त वाली। चलो इंटरवल हो चुका है गाइस, मराठी है यार, हिंदी में होता ना तो आपको समझ में आता। हाय मित्र, हाय का ओळख प्रितेश, तू शुभमच्या बड्डेला आला होता एकदा बरोबर ना? गाइज ये है पुणे का भरतनाट्य मंदिर, शुभ तेरे को याद है क्या आपलं नाटक होतं बघ इथं शाळेमध्ये असताना? हा हा गॅदरिंग 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 हम लोग कित कौन से स्टँडर्ड में थे तब? गाइज हम लोगों का गॅदरिंग था यहाँ पे, हम बहुत छोटे थे तब। काय रोल होता मला तर ते पण नाही आठवते। हे बहुत जबरदस्त वाला डान्सर था गाइज, मतलब अभी भी है, और मैं देखने के लिए आया था, मैं और एक मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग देखने के लिए आए थे, ये इसका परफॉर्मेंस था यहाँ पे। और पूरी स्कूल में मतलब फर्स्ट से लेकर 10th तक भाई ने एक भी ऐसा है ना गैदरिंग नहीं छोड़ा, मतलब सब में पार्टिसिपेट करता था, सबसे बेस्ट डांसर अपने स्कूल का। नंतर केलं का तू?
हालत खराब हो गई, मेंटेनन्स नहीं किया। मी इकडे बसतो, ये इकडे तिथं बस ना, नको लागल बस तिथंच बस। हां ठीक आहे, ये देखो गाइज, ये है स्टेज गाइज, यहाँ पे शो चालू होता है। अभी टाइम कितना हुआ है, 8:30 बज चुके। देखो यार, सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी तगड़ी वाली दी है, देखो बहुत लोग। हाँ अंदर हो गया, चलो गाइज अब निकलते। 10 बज चुके ऑलमोस्ट, काफ़ी बढ़िया था। अभी उनको कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा, कभी उनके घर जाके अंकल को कॉम्प्लीमेंट देते, अगर मिल जाते तो यहीं पे दे देंगे। इकडे जायचं। तुम्ही सगळे कसे आले, कसे आले सगळे? कुठे राहायला? लिटरली गाइज देखो, भीड़ भी है, काफ़ी लोग आए थे। 200-300 के आसपास तो कम से कम रहेंगे, मैं तो जितना देखा उतना बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा लोग थे। चलो यार, अलग एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम था लाइफ में एक्सपीरियंस लिया ये। वैसे हम लोग बचपन में गैदरिंग वगैरह था, डांसिंग का प्रोग्राम था, तो स्कूल के वक्त में हम लोग आए थे, उसको अभी 10-12 साल हुए रहेंगे, बहुत एंजॉय किया था। चलो अभी निकलते घर। हे गाइस, अभी 11:15 बज चुके हैं। डिनर करने के बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। मम्मी ने फ़ोन किया था मुझे, घर से खा, घर पे आके खाएगा या फिर वो बाहर से खा के आएगा। मैंने बोला घर पे आने के बाद खाऊंगा, फिर बाहर से नहीं ना खा सकते, वरना वहाँ पे खाऊंगा और घर पे आके गाली खाने पड़ती, इसलिए फिर घर पे आके खाना पड़ा। रास्ते में मुझे पप्पा मिल गए और फिर हम दोनों साथ में आ गए, वो मामा को ड्रॉप कर दिया घर पे, फिर दोनों साथ में घर पे आ गए। गाइस मुझे बताओ, अगर रास्ता क्लियर है तो फिर 2 किलोमीटर आने के लिए कितना टाइम लगेगा? एकदम रास्ता क्लियर है, रात के 10 बज चुके, 10:30 बज चुके, क्योंकि 10 बजे तो वहाँ से निकल गए हम लोग। 2 मिनटामध्ये येणार ना 2 किलोमीटर? पप्पा काय बोलता है तुम्हें? ये पप्पा बोल रहे बहुत ज़्यादा फास्ट आ गया। स्कूटी क्या चलेगी? 80-90 से ज़्यादा नहीं चलती स्कूटी गाइस, पता है आप लोगों को भी, तो ऐसा बात है ना पप्पा। चलो गाइस फिर कर देते व्लॉग को एंड। ये 2 दिन का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके भी जरूर से बता दो। हाँ ऐसा ठीक है। सो फिर गाइस करते व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इस नए व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।